आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपने स्वाधीनता दिवस पर भाषण देना है, तो उस भाषण में क्या ऐसा होना चाहिए कि आपका भाषण प्रभावकारी हो? एक तो मैं आपको कहूँगा कि जैसे कि चैनल पर बहुत सारी शायरी है, और भी चैनल हैं अच्छे अच्छे, आप उनसे भी शायरी ले सकते हैं। तो मैं अब खास करके पब्लिक स्पीकिंग टिप्स या मंच पर बोलना कैसे हो ये चीज़ें ज़्यादा मैं बताता हूँ। शायरी तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ जो पहले की शायरी है, लगभग 700-800 तुकबंदी है, बस वही बार बार मेरे पास आ रही हैं। तो एक मैं कहूँगा कि स्पीच आपने देना है 15 अगस्त पर, तो आप उसके पार्ट बना लीजिए। मैं पार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। पहला पार्ट होता है कि जिसको प्रारंभिक दौर बोलते हैं, जैसे आप मंच के ऊपर गए और आपका इंप्रेशन, लोग आपको देखेंगे 23 सेकंड के लिए या कहते हैं कि 10 सेकंड के लिए, कोई भी शायरी बोलिए आप, अच्छी सी तुकबंदी बोलिए कि जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तुम मुस्कुरा दो, ऐ समय के चांद तारो ना संवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है मेरा देश जगमगा दो। मुस्कुराते हुए और थोड़ा सा स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। और ये चीज अगर आप वहां पे नहीं कर पा रहे तो प्रैक्टिस कीजिए इस चीज की। तो आज के इस प्रांगण में मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय और ग्रामवासियों या पंडाल में बैठी मातृशक्ति है, युवा शक्ति और बुजुर्गों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये पावन दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। अब देखिए, आपने जैसे ये बात बताई, अब होता क्या है, मैंने ये चीज़ देखी कि स्पीच में क्या होता है, ज़्यादातर लोग वो आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं। मान लीजिए 15 अगस्त को ये आज़ाद हुआ और उस समय जो अंग्रेजों ने ऐसा किया, 2-4 इतिहास की बातें उठाई और बस उसको ख़त्म कर दिया। स्पीच एक इमोशन है, एक भाव है। मान लीजिए अभी क्या हुआ, देखिए यूपी में जो 2 आतंकवादी पकड़े गए और उसके ऊपर 2 हमारे लीडर हैं, जैसे एक तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं और एक मायावती है, इन्होंने जो बयान दिए वो ऐसे बयान हैं कि हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। वो एक हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी राजनीति हो रही है। अब मान लो ये एक मुद्दा है, मैं देखिए ये मुद्दा जो है राजनीतिक नहीं है। इसराइल के अंदर प्रॉब्लम आई, विपक्ष इकट्ठे हो गए, विपक्ष और पक्ष दोनों, रूरल पार्टी और एंटी रूरल, दोनों पार्टी इकट्ठी होगी, हम एक हैं, आतंकवाद से निपटेंगे। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं बताइए, ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें यूपी की पुलिस पर और भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं है। देखिए कहां से सरकार आ गई, एक और देखिए मायावती ने इससे भी जबरदस्त कमेंट किया कि ऐसे चुनाव के समय में, यानी कि एक वर्ष पहले, भी चुनाव में एक वर्ष रहता है, तो अभी ये होना संदेशपद है। तो ये जो चीज है ये हम लोग इसको ले सकते हैं, इस मुद्दे को, कोरोना का दौर रहा है, आप इस मुद्दे को लीजिए, यानी कि एक इमोशन आपकी आवाज में होना चाहिए कि हमारे युवाओं ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पुलिस प्रशासन ने हर तरह से मदद की और हम कोरोना के दौर से उबर पाए, कोरोना वैक्सीन का हमारे देश में आविष्कार हुआ। ये इस तरह के मुद्दे आप लीजिए, जैसे एक इन्होंने बयान दिया, काफी गौर करने वाली बात है ये। या हमारे देश में जैसे बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे आपको पता होगा कि हरियाणा के अंदर एक पहलवान जो मेडल विजेता, और उन्होंने ऐसा एक कुकृत्य कर दिया, तो ये खेल जगत के लिए। तो हम लोग ऐसे मुद्दों को लेकर और हम लोग उसके लिए क्या संकल्प करें, क्या आह्वान करें। आज देश की जो विकट परिस्थिति क्या है, हर कोई सड़क रोक के बैठ जाता है, धरने प्रदर्शन, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आम आदमी का रास्ता रोक देना, और उसमें आप किसी भी आंदोलन विशेष का नाम मत लीजिए, क्योंकि हर तरह के आंदोलन, हर तरह के प्रदर्शन, हर तरह की हड़ताल हमारे देश में होती रहती है, कोई किसी स्टेट में हो, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो आप इस तरह के मुद्दे जो है उनको आप लीजिए। ठीक है, मैंने आपको आज थोड़ी सी जानकारी दी है, आप जो है स्वतंत्रता दिवस के साथ उसको जोड़िए कि स्वतंत्रता उसी की है, आज़ादी उसी की है जो उत्तरदायित्व को निभा सकता है, अपनी जिम्मेवारी को निभाता है। आज मैं आज़ाद हो गया, हमारे देशभक्तों ने कुर्बानी दी और वो कहते कि आज़ादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन आज क्या मैं अपनी आज़ादी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता देश के प्रति? मेरी जिम्मेवारी क्या है?
देश के प्रति, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति, आदमी आदमी के प्रति हम लोग आपस में संदेश फैलाते हैं। कुछ लोग जो है व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ऊपर इतना जो है नेगेटिव बातें फैलाते हैं, तो इनको देशद्रोही कहना उचित होगा। ये बहुत सी बातें हैं, आप इन बातों को उठाइए, खुल के बोलिए। बस एक ही है कि किसी आदमी का नाम मत लीजिए। बड़े स्तर के ऊपर अगर कोई बयान दिया है किसी ने, जैसे मुलायम सिंह यादव का या मैंने उनका बताया, तो इस तरह से आप बता सकते हैं थोड़ा। क्योंकि जहां तक देशद्रोह की बात है, इस तरह के बयान हैं, उनको हम लोग खुलकर बोल सकते हैं। ये हमारे देश की एकता को आंच है एक। तो इसलिए दोस्तों आप इस तरह के मुद्दे 15 अगस्त के ऊपर लीजिए, उनको मैनेज करके सुंदर ढंग से लिखने का प्रयास कीजिए, और फिर आप स्पीच बोलिए, अच्छी अच्छी शायरी बोलिए कि बताएं जो देश की जर्जर हालत, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, इंसानियत जो खो गई है किसी भीड़ में उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इस तरह से आप प्रयास करेंगे, आपका स्पीच बहुत अच्छा होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका मैसेज होना चाहिए, स्पीच नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपका धन्यवाद, और आप बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।